Hello everyone, welcome back to my channel. This is Afreen Sheikh and I'm back with the new reaction video, which is on Hasan Abid, the transformation king and a very famous TikToker in Pakistan. Monty Roy ka jab maine reaction video banayi thi, uske comment section mein maine dekha ki Monty Roy ka naam to bahut zyada tha, unki bhi tarif ki gayi thi aur maine bhi kiya tha, but uske alawa Hasan Abid ki mujhe bahut zyada request aayi uske andar hi, usi video ke andar, kyunki comment ke zariye mujhe pata chala ki Hasan Abid bhi transformation karte hain videos mein apni. So that's why I thought ki main kyun na ab Hasan Abid ka video dekhti hu. Maine ab tak ki Arika Haq ki videos dekhi hain, very talented Arika Haq. Unke alawa maine Jannat Zubair ka bhi, अरे जन्नत मिर्जा का भी मैंने देखा है वीडियोस. बहुत ही अच्छे टैलेंटेड गर्ल्स हैं एंड मैंने अरिका हक का इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आई कार्ड पर एंड स्क्रीन पर सब जगह मिल जाएगी. एंड प्लीज प्लेलिस्ट चेक किया कीजिएगा मेरी, उसमें आप लोगों को ईजी पड़ेगा कि आपको कौन से वीडियोज देखने, तो आप अपनी चॉइस का देख सकते हैं. सो गाइज लेट सी हसन आबिद टिकटॉक वीडियोज एंड विदाउट वेस्टिंग अ मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप कि आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा होगा एंड बिग स्क्रीन है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जाने मेरी ये, मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा, तू कर ले यकीन, मैनू प्यार ये, बस तेरे ना, हाँ जी तेरे ना. Why? Oh. तब से दीवाना हुआ फटी फटी जीन पाके ब्राउन रेबन लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के फटी फटी जीन पाके ब्राउन रेबन लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के तुझे तकदीर नहीं तकदीर नहीं मेरा रख दे नहीं रख दे नहीं तुझे तकदीर नहीं लुकिंग सो हैंडसम गाइस. Wow. I love you. पहले बताओ तुम कमाते कितना? 20,000. मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ. Sorry. It's okay. Excuse me. महीने का 20,000 ना? दिन का. Amazing. Nice look guys, seriously, he's a transformation king. तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ. तुम खूबसूरती की बात करते हो, जाओ मैं आंखें बंद करके भी तुम्हें प्यार करता हूँ. ओह सो नाइस. वाओ मैं भी तेरा दीवाना हूँ, दूर से ही मनाऊंगा. So talented. Waiting for the transformation. Hi.
I want to see this. Real samrat. Serat. Oh, I'm so sorry. सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ. अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे. Oh, nice dialogue. Hey. Yeah, dressing sense, everything is like amazing. Ow, wow. और क्या कहा था आपने कि वेरी नाइस कि अब गम नहीं बुलाया जाता. क्या टैलेंटेड लड़का है सीरियसली. अब गम नहीं बुलाया जाता. मेरे साथ बैठना उसका नाम तक बुलवा दूंगा. कमाएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी. कर भी बढ़ जाएगी. ओ बीट पे एकदम. यस आई लव यू. शक्ल देखिए अपनी ठीक तो है. आई हैव अ बॉयफ्रेंड. मैं चप्पल सी शक्ल की प्रपोज किया हमारा मैंने तेरा बॉयफ्रेंड आगे वक्त. ओ हेलो ब्रेकअप. Concept is amazing. It's lit. Oh, पूरी गैंग के साथ तो अकेले काफी है. लाइक सीरियसली तेरी मम्मी तेरे पापा तेरा भैया तेरा चाचा तेरा दादा सारे लोग हैंडसम है. नानी सब कोई कमाल कमाल. आजा मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज. आई वांट यू माय बेबी मुझे दे दे लव टू. ओह Wow, I love this. Wow, what a slow-mo. Get slow-mo. और वापस आती हूँ तो हमेशा काम से थक कर. खुदा सलामत रखे उन आँखों को. I'm so sorry. आजकल हम चुभते बहुत. गाइज जितने भी लोगों ने मुझे बोला ना देखने के लिए ये हसन आबिद के टिकटॉक वीडियोस, थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोग ने मतलब इतना अच्छा वीडियोस देखने के लिए बताया कि मतलब मुझे लगा था टिकटॉक पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है. मतलब कि टिकटॉक पर अब कुछ अच्छा दिखने वाला है नहीं. लेकिन मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हसन आबिद को क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ टिकटॉक पर. अब मैं बिल्कुल इनएक्टिव हूँ. अभी कुछ टाइम से मैं टिकटॉक पर वीडियोस डालने स्टार्ट कर दी हूँ. बट पहले ज़्यादा एक्टिव रहती थी. जब से यूट्यूब पर आई हूँ तो बहुत कम वीडियोस वहाँ पर मैं डालती हूँ. लेकिन अब से मैंने मतलब आज ही मैं रिएक्शन वीडियो शूट कर रही हूँ. आज ही मैंने टिकटॉक का अकाउंट हसन आबिद का चेक किया है. बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है हसन आबिद की और मुझे सीरियसली हसन आबिद के टिकटॉक वीडियोज़ देख करना
इतना मज़ा आया, लाइक एक एक वीडियो इतना कमाल का था, इतना देखने लायक था, और एक एक में स्लोमो था, एवरीथिंग, मतलब हर कुछ था वीडियो में, स्मार्टनेस थी और चाइल्डिश थोड़ा टाइप का था, हर एक चीज़ थी, मतलब हर एक कैरेक्टर, और वो जो वो वाला था नानी नाना पापा मम्मी वो वाला, उसमें तो हर कोई हैंडसम लग रहा था, मतलब के मामा मम्मी जो भी था उसके अंदर, मुझे थोड़ा इतना लिरिक्स याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर हर कोई हैंडसम लग रहा था क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर ही सबका लिया था। एकदम ना मुझे देखकर ना जैसे मूड ही फ्रेश हो गया मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा थी डिप्रेस्ड में थी, इसलिए मेरा थोड़ा वीडियोज़ जो है आफ्टर 4-5 डेज कुछ आया है, तो मैं थोड़ी डिप्रेस्ड थी कुछ वजह से, सो मेरा पूरा मूड फ्रेश हो गया। और जो क्यूटनेस थी, जो स्मार्टनेस थी, जितना कुछ मतलब इनमें कूट कूट कर भरा है टैलेंट, मुझे बहुत मज़ा आया वीडियोस देखने में, एंड मैंने बहुत इंजॉय की हसन आबिद के टिकटॉक वीडियोस, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय की। और हाँ, अब मैंने बहुत सारे वीडियोस पर अभी तक के रिएक्शन दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अब मैं कुछ टिकटॉक वीडियोस पर रिएक्शन दिया करूँगी, इसके आगे जो वीडियोस आएगी टिकटॉक वीडियोस से रिलेटेड ही आएगी, और उसके अलावा अगर मैं कुछ अपना भी डालती हूँ तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो, क्योंकि उस पर व्यूज़ बहुत कम देते हो आप लोग, वो बहुत कम देखते हो और फिर बोलते हो कि आप अपना कंटेंट नहीं डालते। गाइज़, मैंने बहुत सारे अपने कंटेंट डाले हैं, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैंने मेकअप के ट्यूटोरियल्स दिए हैं, और DIY स्किन केयर मैंने दिया है, डांस वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब पर, रिएक्शन वीडियोज़ हैं, और सिंगिंग के वीडियोज़ है, एक्टिंग स्किल्स है, एवरीथिंग इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अगर जिनको नहीं पता होगा प्लीज़ वो प्लेलिस्ट एक बार जाकर चेक करो, तो आप लोग को पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। एंड मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ, मैं मतलब बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं ना, मतलब कि जैसे उन लोगों को नहीं पता है इसलिए वो लोग बोल रहे होंगे, बट कोई नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे हैं, मुझे वहाँ यहाँ पर किसी का फ्लैश नहीं करना है और कुछ भी मुझे हाईलाइट नहीं करना है किसी का, बस इतना बताना है कि सबसे पहले मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब कि मैंने कुछ टीवी शोज़ में काम किए थे, अब मैं बहुत कम जाती हूँ, मतलब अब मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब से अपना सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर अपने एक प्लेटफॉर्म ले लिया है, तो मैं कहीं पर जाना इतना ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही आज की तारीख में बहुत बड़ा है, तो आप अपना टैलेंट यहीं पर शो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, संतोषी माँ, ससुराल सिमर का जैसे शोज़ में मैंने काम किए हैं, उसके अलावा मैं बाद में टिकटॉक पर आई, और टिकटॉक पर माशाल्लाह से मेरी 3.5 लाख फॉलोअर्स है टिकटॉक आईडी पर, और मैं इंडिया से हूँ, पाकिस्तान से नहीं हूँ। बहुत सारे लोग को ये भी जानना था कि मैं इंडिया से हूँ कि पाकिस्तान से हूँ, तो बहुत सारे लोगों को लगा भी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं डियर, आई वॉज़ बॉर्न इन इंडिया एंड आई एम अ मुंबईकर, मैं मुंबई में रहती हूँ और बस इंडियन हूँ, और पाकिस्तान के लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, वही रीज़न है कि मैंने ये हसन आबिद की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और मैंने इनके ऊपर रिएक्ट किया है, और मैंने आज फर्स्ट टाइम ही देखे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, और जबकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, टिकटॉक इंडिया का जो एक अकाउंट है, हम जो मतलब टिकटॉक इंडिया यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर सिर्फ ना इंडिया के ही मतलब फॉर यू पर आते हैं, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के कोई वीडियो मतलब हम लोग को यहाँ फॉर यू पर नहीं मिलते हैं, वो तो कभी कभार एक दो दिख गया तो दिख गया, लेकिन हम लोग के यहाँ पर नहीं आता है, तो इसलिए मैं सर्च करती हूँ तो बराबर दिखता है, इसलिए ना मैंने मतलब अरिका हक का भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं उनका नाम नहीं सुनी थी, तो मैंने जो सच है वही बोला था कि मैं सच में नहीं सुनी थी, मुझे तो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी थी और फिर मैंने वो सर्च किया, एंड देन मैंने देखी थी कि वहाँ पर बहुत अच्छी फॉलोइंग है अरिका हक की, और मैंने फिर बाद में इंस्पायर्ड मेकअप लुक भी अरिका हक के फोटो से स्टार्ट किया है, अरिका हक के लुक से स्टार्ट किया है इंस्पायर्ड मेकअप लुक, और उसके अलावा फिर जन्नत मिर्ज़ा का भी मुझे नहीं पता था, जन्नत मिर्ज़ा के अलावा मैंने जुमाना खान के वीडियोस देखे, जो कि वो दुबई सऊदी दुबई मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहती है इसमें, तो वहाँ की है, तो मुझे उनके वीडियोस बहुत पहले फॉर यू पर दिखते थे, अब तो फॉर यू पर ना कितने बड़े बड़े टिकटॉक स्टार्स हैं इंडिया के, और मतलब कुछ कुछ सऊदी दुबई के भी आते हैं, कोई कोई पाकिस्तान के भी आ जाते हैं, लेकिन जिनकी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है मैंने उनको नहीं देखा हुआ रहता, तो मैंने वीडियो में वही सब बोला है, तो जो सच है वो सच है। और उसके अलावा मैंने आज हसन आबिद के देखे, मुझे बहुत इन्जॉयमेंट फील हुआ इसके अंदर, बहुत इन्जॉय किया मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया, आप लोगों को कितना मज़ा आया मेरे साथ रिएक्ट करने में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज़ आपके डाउट्स अगर क्लियर हो गए हों तो टिकटॉक के बाद मैं सबसे पहले आर्टिस्ट हूँ मैंने बताया, उसके बाद मैं टिकटॉकर हूँ, एंड देन मैंने यूट्यूब के ऊपर एक्टिव होना स्टार्ट किया। यूट्यूब तो मेरा 2016 से है, और मतलब फैब 2016 से है मेरा,
ऐसे ही अकाउंट बना के रखी थी मैंने, बट एक्टिव मैं हुई हूँ कुछ 6 months से, एंड वहाँ पर मतलब इनएक्टिव हो गई टिकटॉक पर, बट अब मैंने वहाँ पर भी अपना हर जगह चालू रखा है, अपना एक्टिवनेस जितनी भी है सब हर जगह मैंने चालू रखा है. तो मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो करना. इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव ज़्यादा रहती हूँ, डीएम के रिप्लाई मैं करती हूँ, तो आप लोग बी मतलब बी फ्री गाइज, आप लोग को अगर कुछ डीएम करना है तो इंस्टाग्राम पर करो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी. सो गाइज यही था आज का रिएक्शन वीडियो. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और टिकटॉक एंड लाइकी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सो गाइज मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.